जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि किसी मनुष्य का बाल भोजन में आता हो, चाहे बाहर से खरीदा जाए उसमें भी आता हो, होटल में बैठ के खाना खाया जाए उसमें भी बाल आता हो, या फिर घर के बने हुए खाने में भी बाल निकलता हो, तो मान करके चलना चाहिए कि जिसकी थाली में खाना खाने में बाल निकल रहा है उस व्यक्ति के साथ में तंत्र विद्या हो गई है, तुरंत उसको इलाज कराना चाहिए। प्रेत बाधा या पितृ बाधा उसके साथ में है। तो जब भी भोजन में कुछ भी खाया जाए और उसमें मुंह में बाल आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लगी हुई है, तंत्र बाधा लगी हुई है, और ये मान करके चलें कि उसका प्रेत बाधा या पितृ बाधा ही है और इसकी पूजा केवल अमावस्या को होती है। पिंडदान करिए, तर्पण करिए, नारायण बलि कराइए, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए, ये इसका उपाय है। यदि किसी को ये करवाना हो और बार बार ऐसी समस्या उनके जीवन में आती हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं।